स्पेस में फिर से एक्शन बन रहा है और एक बार अंशुल टाटा पावर या फिर टोरेंट पावर या फिर कुछ और नाम जैसे कि पीएफसी आरएसी कोई पावर स्पेस में से स्टॉक फिलहाल पसंद आता है आपको, क्योंकि हाल फिलहाल थोड़े से वॉलेटाइल ज़रूर हुए थे पर जिस तरीके की खबरें पॉजिटिव खबरें रुकने का नाम नहीं ले रही, कैसे देखा जाए इनके स्टॉक्स को और कोई स्टॉक जो कि आपको पसंद है? ठीक है सृष्टि जी, पावर सेक्टर में जो फेवरेट काउंटर है वो अदानी पावर रहा है। लास्ट टाइम टारगेट अचीव करके ये वापस से बाइंग रेंज में आया है। 3 महीने की इनसाइड बार थी और वहां से ब्रेकआउट दिया था, अब उसको रीटेस्ट करने वीकली चार्ट पे आया है, तो यहां से बाई करके चलना चाहिए। एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म 1.5 से 2 हफ्ते में 675 तक का टारगेट मिल जाएगा, और अगर डेरिवेटिव्स में ट्रेड करना है तो फिर टाटा पावर सेकेंड बेस्ट काउंटर लग रहा है। यहाँ पे 4 दिन की कंसोलिडेशन है और एक प्राइमरी ब्रेकआउट 75 मिनट के चार्ट पर लग रहा है जो कैरी फॉरवर्ड होके डेली पे भी कन्वर्ट होगा। यहाँ पे एक बार के लिए 443 तक के टारगेट लग रहा है और 443 निकलने के बाद इसमें बड़ा मोमेंटम आएगा 470-475 तक, और लास्ट वीक भी मैंने टाटा पावर आपके चैनल पर रिकमेंड किया था। MGL लेके आइए जरा स्क्रीन पर, MGL स्क्रीन पर लेके आइए कुछ सर, एक बार जरा आप चेक करेंगे MGL को। ये तो गैस वाले स्टॉक्स कल भी चल रहे थे, मेरे को तो आज बड़ी हैरानी है कि आज किसी भी टेक्निकल एनालिस्ट ने कोई भी ये गैस का स्टॉक नहीं दिया। आज मैंने सभी टेक्निकल एनालिस्ट से चर्चा की, एक भी गैस का स्टॉक नहीं आया। सर जरा आप चेक करेंगे गुजरात MGL IGL ONGC इनफैक्ट गेल भी। डिम्पी देखिए, एक कारण तो ये भी होता है कि ये स्टॉक्स जो हैं ये न्यूज पे मोमेंटम पे चलते हैं बट रैली जो है ये सस्टेनेबल नहीं रह पाती है, यू नो एटलीस्ट फॉर मोस्ट ऑफ देम। MGL भले ही कल एक रिकवरी का यू नो साइन दिया था, आज भी अगर आप देखें तो थोड़ा पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, बट यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस तुरंत मिल जाएगा, यू नो 1480 का जो लेवल है इसके आसपास, तो उस लिहाज से हो सकता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है ये फेवरेबल ना हो। कुछ और नाम जो आपने मेंशन की जैसे IGL गुजरात गैस, इनमें भी हमें लग रहा है कि आने वाले समय में थोड़ा सा प्रेशर रह सकता है, रेजिस्टेंस लेवल के करीब है। लेकिन जो एक और नाम आपने मेंशन किया गेल, यहाँ पे अगर आप देखें तो रनअप अच्छा खासा बना हुआ है, कोई बहुत बड़ा डेंट भी यहाँ पे देखने नहीं मिला था, रिकवरी भी इक्वली फास्ट हुई है, तो जो नियर टर्म हाई बने थे उनके पास ऑलरेडी आके स्टॉक प्लेस हो चुका है, तो यहाँ पे अगर कोई चाहे तो एक पोजिशन कंसिडर कर सकता है ऑन द लॉन्ग साइड। यहाँ पे नियर टर्म में 212 एंड 217 के टारगेट रहेंगे और स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे 199 का लेके चले। तो जो आपने लिस्ट मेंशन की उनमें से हमें लग रहा है कि गेल एक स्टॉक है जो आपके रेडार पे होना चाहिए। ठीक है, गेल एक स्टॉक है जो आपके रेडार पे होना चाहिए। हालांकि अंशुल सर ने कल हमको गुजरात गैस के बारे में बाय दिया था, मेरे से स्किप हो गया ये, मैंने ही उनसे पता किया था क्लोजिंग के शो में कि गुजरात गैस आपको ठीक लग रहा है, उन्होंने कहा यस ठीक लग रहा है तो आप लेके भी जा सकते हो, हमने बकायदा बाय की स्टैंप भी लगवाई थी और आज भी 2-2.5 रुपये ऊपर है इंस्पायर्ट ऑफ, इसकी बाजार अभी भी 100 पॉइंट के आसपास की गिरावट दिखा रहा है। कुछ एक और स्टॉक